हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। देखिए, हमारी जो चर्चा थी, कल हमने बात की थी रीट पर्ची भर्ती परीक्षा में जो लीक हुआ है, रीट की परीक्षा जो लीक की गई थी, पेपर आउट हुआ था, उसके ऊपर हमने कल एक बात की थी कि राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ में जो छलेवा किया गया है। कल SOG के जो हेड हैं अशोक राठौड़ जी ने एक प्रेस नोट के माध्यम से, एक जो संदिग्ध थे उन लोगों के बारे में बात की थी। तो कल बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि पेपर कहाँ से आउट हुआ, और इस पेपर आउट मामले में बहुत बड़ी, देखिए पहले भी 35 से 36 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, और अभी जो रीट मामला है ये DP जरौली तक पहुंच चुका है। रीट के मामले में विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रीट का जो मामला है, देखिए पहली रिपोर्ट देखिए आप, आपके सामने यह रिपोर्ट देखिए। रीट में SOG ने जो कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट है ये। कल जो प्रेस नोट जारी किया गया था अध्यक्ष द्वारा, या हम कह सकते हैं ये जो अशोक राठौड़ जी द्वारा जो अपना प्रेस वार्ता के माध्यम से जो सूचना दी गई थी, उसमें उन्होंने बताया है कि जो रीट पेपर है वो कहाँ से, जयपुर शिक्षा संकुल से निकल रहा था, और यहाँ से निकालने वाला मेन जो अभियुक्त था वो रामकृपाल को दिया, और अभियुक्त ने रामकृपाल को दिया, रामकृपाल मीणा ने उसको उदाराम बिश्नोई को दिया, उदाराम बिश्नोई ने भजनलाल को दिया। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, आपको पता होगा। देखिए रीट भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके बाद बहुत सारी हलचलें चल रही थी कि कब क्या होगा, इसमें कितनी मेरिट जाएगी, क्या होगा, लेकिन जो ये सामने आया है मामला, इसके बाद मेरिट बहुत आसमान छूने वाली है। अगर अभी भी सरकार इसके ऊपर कोई अच्छा एक्शन नहीं लेती, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती, तो इस भर्ती परीक्षा में 50% लोग जिन्होंने पेपर आउट किया है, जिन्होंने पेपर खरीदा है, वो इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होंगे, और जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ में ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये जो प्रेस नोट था ये कल का था। आज जो है, जो SOG की टीम है वो आज पहुंच गई है, कहां पर, देखिए अजमेर पहुंच गई है, DP जरौली के ऑफिस पहुंच गई है, और जो SOG की टीम है वो जांच कर रही है, जो एविडेंस है वो इकट्ठा कर रही है, जो मुख्य कागजात हैं उनको इकट्ठा कर रही है। वो जानना चाहती है कि ये पेपर कहाँ से आउट हुआ, कौन इसकी मुख्य कड़ी है। तो देखिए ये आपके सामने कल का प्रेस नोट दिखाया था। सेकंड नंबर का जो आज की जो चर्चा हुई है, आज की जो घटना है, रीट पेपर आउट जो हुआ है, एक और खुलासा हुआ। बोर्ड अध्यक्ष जरौली के अजीज मित्र प्रदीप पारा सर ने रीट का पेपर 1,22,00,000 रुपए में सौदा किया था, और ये 1,22,00,000 रुपए एक पेपर का सौदा किया गया था, और रीट के जो पेपर आउट हुआ है वो रीट के 3 पेपर आउट हुए हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है रीट का पेपर एक L1 का पेपर था, एक L2 SST का, L2 SST का पेपर था, और एक L2 साइंस मैथ का पेपर था। देखिए विद्यार्थियों, ये L1 और L2 दोनों ही पेपर आउट किए गए हैं, और दोनों पेपर आउट करने के बाद ये पेपर 24 तारीख की रात को ही ये आउट कर दिया गया था शिक्षा संकुल से, और 24 तारीख को ही इसके प्रश्नों के 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करवा लिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 5,000, 10,000, 20,000, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने लोगों तक ये पेपर आउट हुआ है। अभी जो अभियुक्तों से जानकारी मिल रही है उसके ऊपर SOG बहुत गहन अध्ययन कर रही है, और हमारे सामने ये जो सामने एक रकम दिखाई दे रही है 1,22,00,000 रुपए की, इसमें तो सिर्फ सौदा हुआ है, आगे कितने लोगों में बटा है इसका भी अनुमान ही लगा सकते हैं। कुछ कह रहे हैं 20,000, लेकिन ये 50% लोग जो पास होने वाले हैं, अभी रीट की मेरिट को जो ऊपर पहुंचाने वाले हैं, लोग अनुमान लगा रहे थे 120 का, 125 का, 130 का, हो सकता है रीट की मेरिट 135 से 140 जाए, हो सकता है 135 से 35 जाए, कुछ कहना संभव नहीं है। जब तक इस परीक्षा की, इस रीट भर्ती की SOG CBI उचित मांग, जो CBI है जांच नहीं करती, SOG पूरी जांच नहीं करती इसकी, देखिए सरकार तो 4 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग देने का प्लान बना चुकी थी, इनके रिजल्ट जारी कर दिए, इनके प्रमाण पत्र जारी कर दिए, और उसके बाद में SOG की टीम का खुलासा सामने आया है। आपको भी पता होगा 10 दिन 15 दिन से प्रमाण पत्र इसके वितरण हो रहा है, जो रीट के प्रमाण पत्र है वो बांटे जा चुके हैं स्टूडेंटों तक। आगे क्या होगा, फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, जो अपने शिक्षक बनने के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी डेट 9 फरवरी लास्ट डेट है, फॉर्म चालू हो चुके हैं, और उसके सामने आपके सामने खुला है राज, तो आपका पूरा पेपर आउट आपके सामने है। देखिए और आगे, आज जो SOG की टीम है
वो एसओजी की टीम कहाँ पहुंच गई, डीपी जरोली के ऑफिस पहुंच गई, अजमेर पहुंच गई, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एसओजी की टीम पहुंच गई है, एसओजी की टीम पहुंच गई, तीसरे नंबर की जो अपनी चित्र है उसको दिखाइए। देखिए रीट प्रश्न पत्र आउट मामले में अजमेर से बड़ी कार्रवाई हो रही है, डीपी जरोली का जो फोटो दिख रहा है, एसओजी की जो टीम है जो कहां पर पहुंच गई है, एसओजी की टीम पहुंच गई है अजमेर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में है, और वहां जाकर के उसके खिलाफ कोई एविडेंस इकट्ठा करना चाह रही है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा, देखिए हमारे राजस्थान के ही सैनिक शौर्य पदक विजेता हमारे राजस्थान के भाई विकास जाकर जी इस रीट के मामले पर 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यह निवेदन करूंगा, यह अपील करूंगा कि सभी विद्यार्थी उनका सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें, और अपने जो मीडिया से, मैं राजस्थान के जितने भी न्यूज चैनल हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, इसकी जो तह तक जाने का प्रयास करें, इसको दिखाने का प्रयास करें, जिससे कि रीट में जो धांधली हुई है, रीट में जो लीक हुई है, और लीक करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के युवाओं से, आप भी थोड़ा प्रयास करें और राज्य सरकार भी इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन ले। राज्य सरकार के ऊपर प्रश्न उठ रहा है आज, लेकिन राज्य सरकार इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई करवाएगी, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बोल करके ये हम उनसे आग्रह करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।